उर्दू पत्रकार संघ के अध्यक्ष अहमद अजहर इजहार जी जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे नियोम हसन, मुस्लिम विचारक के एक अल्लामा बुनई, और हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से आसिफ बामला, और हमारे साथ जुड़ेंगे एक जाने माने सोशल वर्कर तेजल वसा, और मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल के एसोसिएट डायरेक्टर निखिल मोरसावाला जी। सबसे पहले हम निखिल जी से शुरुआत करेंगे। निखिल जी नमस्कार। आज के डिबेट में आज मेट्रो मुंबई ने बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट बोला जाए, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट को मुद्दे पर लिया है आखिर क्यों में, कि जहां पर कुरान और गीता और महाभारत रामायण को एक करने की कोशिश की है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटने की कोशिश जो लोग लो करते हैं उनके ऊपर एक गाल पे तमाचा होगा जब मदरसे में गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी, यानी आप मेरी गीता पढ़ो मैं आपकी कुरान पढ़ूंगा, पहल मदरसे हो गई है। अब आगे क्या इसका नतीजा होगा और इसके ऊपर आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इंद्रपाल जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, खास करके आसिफ भाई को मैं उदयपुर में मिला था एक महीने पहले। आसिफ भाई नमस्कार जी। ये धर्म का जो मामला आपने आज उठाया बहुत ही बढ़िया मामला है जी। और अब जो आज समाचार दे रहे हो बहुत ही प्रशस्त मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। और हम पहले कहते थे कि हमारे हिंदू वेदास में ये कहा गया है कि सर्व धर्म समभाव जी, जिसका मतलब होता है कि धर्म के रास्ते भले अलग अलग हो मंजिल एक है, मंजिल वही है परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा तक पहुंचना। आप भले रास्ते अलग, कोई मस्जिद के रास्ते से जाएगा, कोई मंदिर के रास्ते से जाएगा, कोई ईसाई घर के रास्ते से जाएगा, चर्च से जाएगा, कोई गोल्डन टेम्पल अमृतसर से जाएगा, तो ये रास्ते अलग है, मंजिल एक है कि हमारा जो ऊपर वाला जो है आप राम बोलो रहीम बोलो ईसा मसीह बोलो उसके घर तक पहुंचना है जी। तो ये जो आप आज समाचार दे रहे हो बहुत ही खुशी खुशखबरी है। और मैं तो यही कहूंगा कि पिछले मेरे ख्याल से कुछ सालों में धर्म जो एक आस्था होती है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश धर्म अब एक प्रक्रिया हो गई जी। हम हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि जैसे ईसा, मैं खुद एक मिक्स मैरिज में हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरी पत्नी ईसाई है, हमारे तीन बच्चे हैं, हमारे तीनों बच्चों को हिंदुइज्म भी सिखाया गया है और ईसाई धर्म भी सिखाया गया है, हमारे बच्चे चर्च भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं जी। लेकिन मेरी एक क्रिटिसिज्म ये है धर्म के ऊपर और धर्म गुरु के ऊपर जो हमारे धर्म गुरु हैं, कि धर्म जो आस्था है उसको भूल करके हम धर्म को प्रक्रिया बनाते हैं। यानी हम ईसाई को बोलते हैं कि अगर आप रविवार को चर्च नहीं जाओगे तो घोर पाप होगा, अगर आप पक्के मुसलमान हो तो दिन में आपको 5 बार नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आप पक्के हिंदू हो तो आपको टीका लगाना है, जनोई पहननी है, मंदिर जाना है, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है, शुक्रवार को संतोषी माता जी का पूजा करनी है, वगैरह वगैरह। तो धर्म एक प्रक्रिया बन गई है और इस प्रक्रिया की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते, तब हम आलोचना करते किसी प्रक्रिया से कट्टरता शुरू होगी जी, कट्टरता शुरू होगी। तो धर्म जो एक आस्था है उस आस्था को आदर करना, हिंदू हूं तो इस्लाम धर्म की आस्था क्या है उस आस्था का आदर करना मुझे सीखना चाहिए जी, अगर मैं हिंदू हूं तो ईसाई धर्म की आस्था क्या है उस आस्था का आदर करना मुझे सीखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। तो ये जो आप बता रहे थे कि बच्चों को कुरान भी सिखाया जाएगा, गीता का मतलब भी सिखाया जाएगा, मेरे ख्याल से जो आस्था होती है किसी धर्म की अगर उसको सिखाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और एक आंकड़ा बताता हूं आपको मैं कि 2050 में एक रिसर्च है, 2050 में भारत में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी 32 करोड़, यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश है मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में होगी। और अगर भारत में हिंदू और मुसलमान अमन से रहें और जहां मुसलमानों की
जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत और देश की मजबूती कितनी होगी, देश की ताकत कितनी बढ़ेगी। हमारे साथ आसिफ बामला जी हैं, हम उनसे इनके इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। मदरसे में कुरान भी होगा, गीता भी होगी। कितना कितना बोलने में पहले तो सुनने वालों को अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी नफरतें फैला दी गई समाज में, ऐसी कट्टरता घोल दी गई इस समाज में कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये हुआ है। आसिफ जी, देखिए NIOS का की तरफ से ये एक प्रयास है जी। और योग किसी योग या विज्ञान या संस्कृति किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं है। भारत की कई सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो हमेशा से ये कहना कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो, वहीं एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में गीता हो, तो ये एक एक कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं हम, आपसी भाईचारे का, क्योंकि हिंदुस्तान एक गंगा जमुनाई तहजीब का एक बहुत बड़ा प्रमाण रहा है, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत है जी। तो भारत में यदि अमन अमान से दोनों मजहब रहते आ रहे हैं, अगर आप देखें पाकिस्तान जैसे एक पिछड़ा देश, मैं कहूंगा उसमें आज भी अमन चैन बिल्कुल नहीं है। वहां के हिंदुओं को किस तरीके से वो ट्रीट करते, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार करते, तो ये स्थिति परिस्थिति सौभाग्य से हमारे देश में नहीं है। और मदरसा जो है, मस्जिद और मदरसे में अंतर है। मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती है, मदरसे में तालीम दी जाती है। तालीम तो तालीम जिस देश में या शिक्षा, शिक्षा और तालीम का मतलब एक ही है दी, दी, तो दी। जिस देश में आप रहते हो तो उसके बारे में तालीम लेना, उसके संस्कार को जानना, उसकी संस्कृति को समझना, ये अपने आप में एक ज्ञान है। और ज्ञान से जो है हर मजहब के लोगों को परहेज नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा कि हिंदुओं को भी यदि कुरान में क्या जो है प्रैक्टिकल बातें हैं उनके बारे में जानकारी रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी मेरे में जैसे जैसे हमारे एक पिछले प्रवक्ता ने कहा कि सारे मजहब का हेतु, चाहे वाहेगुरु लीजिए या ईसाई धर्म लीजिए, उनका उनका हेतु यही है कि अच्छाई फैलाइए, अच्छे रहिए, साफ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, यही कुल मिला के मूल तंत्र है। और लेकिन ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसे पिरोया गया है, तो आज ये तमाम को एक लाने की कोशिश है NIOS से, और मैं समझता हूँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें हमें सिर्फ मजहब के दायरे से नहीं, क्या ऐसा भी होगा, एक कदम मदरसे की तरफ से पहल की गई है, क्या ऐसा पहल हो जाएगा कि हमारे शिशु मंदिर में भी कुरान पढ़ाया जाए, हमारे शिशु मंदिरों में हमारे मैंने आपसे कहा कि मंदिरों में नहीं, सुनिए, मंदिरों में और मस्जिदों में फर्क है। मंदिर और मस्जिद जो है, मंदिर RSS संचालित शिशु मंदिर होते हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। जी, बिल्कुल, उसमें कोई ये नहीं है, इसमें ऐसे कोई रोक थोड़ी दिया कि भाई वहाँ वो नहीं सिखाया जाएगा। जी जी, वहाँ उसके बारे में भी, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, पैगंबर के बारे में शिक्षा देना, कोई मुझे नहीं लगता उसमें उनको भी आपत्ति होगी। हम अगर 10 कदम चलेंगे तो उन्हें भी 100 कदम चलने में आनंद होगा। जी जी जी, और हम एक मिसाल कायम करेंगे जी। और ये रामायण तक सीमित नहीं है जी। ये योग, विज्ञान, संस्कृति, योग तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, आप देखते ही हो जी। जी, पूरे विश्व में योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। तो योगा तो ठीक है, हम इसको सिर्फ धर्म से नहीं जोड़ते, योगा एक हमारे शरीर का अभ्यास हो गया, लेकिन कुरान और गीता ये हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं। कुरान और गीता, क्या गीता को पढ़ाने में किसी को